लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, इसके साथ फिर अपन एंड करते हैं। तो रिवीजन, हाँ भाई, तो ये एक अगली बड़ी घबराहट की चीज़ होती है भाई कि चलो सिलेबस, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है ना। अब जब हमने पूरा सिलेबस कर लिया है भाई, तो फाइनली अब एग्ज़ाम से पहले कैसे रिवीजन करें, कितने रिवीजन करें, किस तरह से करें, क्या करें भाई, तुम लोगों ने क्या क्या करा मुझे बताओ। चलो भाई शुरुआत करते हैं ओम से, बताओ भाई ओम, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो रिवीजन था उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये लगता है कि रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन अलग अलग चीज है, तो ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। जब सिलेबस कंप्लीट हो रहा होता है तो रिवीजन चल रहा होता है, और अगर जिस बंदे का सिलेबस कंप्लीट होते समय रिवीजन नहीं चल रहा है तो उसका एंड में भी नहीं होने वाला, वो गारंटेड है। वो कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करके तुरंत से चाहोगे कि मन में आ जाए कि नहीं यार आज रिवीजन का ऐसे कोई डेटा चार्ट बना लेता हूँ, करना चालू कर दो, तो नहीं होगा। रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन साथ में चल रहा होता है, उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, तो फाइनल टचअप चलता है कि ये वाला चैप्टर में ये वाला टॉपिक मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चन सबसे पहले तो रिवीजन करते हैं अपने से पढ़ने के बाद, फिर रैंक बूस्टर सॉल्व करते हैं, रैंक बूस्टर में समझ में आता है कि ये वाला नहीं बन रहा है, तो फिर से उसमें जाते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो रैंक बूस्टर और रिवीजन दोनों साथ में चलता है। तो मेन रिवीजन के टाइम कोई क्वेश्चन का सेट होना चाहिए जिसको फॉलो करो। ठीक है, वेरी गुड। तो तुमने जो रैंक बूस्टर मैंने दिया था उसको फॉलो करा है ना, ठीक है। और भाई मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि है ना, जब ओम कह रहा था कि सिलेबस कम्प्लीशन और रिवीजन साथ में चलते हैं, तो उसका मतलब है कि जब तुम्हारा एक रिवीजन, तो जब तुम्हारी क्लासेस चल रही होती है, जब तुम्हारी पढ़ाई चल रही होती है, उसके साथ चल रहा होता है ना, तुम डेली रिवाइज करते हो, वीकली रिवाइज करते हो, मंथली रिवाइज करते हो। इंडीड जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है उस समय तक ही तुम्हारे 10-15 रिवीजन खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो फिर तुम्हें रिवीजन करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें करी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। गौरी तुम्हारी बात करते हैं कि तुमने क्या करा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, किस तरह से करा, क्या करा। आई थिंक पहले तो मॉक टेस्ट चालू किए, जैसे मैं फेब्रवरी से बात करती हूँ, अगर फाइनल रिवीजन की बात करें तो टेस्ट स्टार्ट किए और बहुत बुरा स्कोर आता था तब, ठीक है। तो पहला तो वो झटका है कि ये तुम बात कर रहे हो जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद के मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो ना, ठीक है, चलो डन। तो टॉपिक्स वीक है, उनको रिवाइज करना है, और एक बार टेस्ट में गलत होता था रिवाइज करती थी, दूसरी बार टेस्ट में गलत होता फिर रिवाइज करती थी, फिर वो गलत नहीं हुआ कभी, ठीक है, ठीक है। तो फिजिक्स आई थिंक बिगिनिंग में ही फिजिक्स कभी गड़बड़ हुई होगी मेरी मॉक टेस्ट में, फिर लास्ट तक मेरे फुल स्कोर आ जाते थे, ठीक है। तो मतलब एंड के मॉक टेस्ट में यू आर स्कोरिंग फुल आउट ऑफ ऑल इन फिजिक्स, हां, एंड इन एनी अदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक थी, बायो भी फुल आते थे, कभी कभी आते थे, कभी कभी नहीं आते थे, वो डिपेंड भी करता है, क्योंकि कुछ सीरीज कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है उस वो अपने किसी मॉड्यूल में से दे रहा है, स्टडी मटेरियल में से दे रहा है क्वेश्चन, वो हमने नहीं पढ़े हुए हैं, वो उनको लगता है इम्पोर्टेंट है, तो वो कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट हाँ, ये एक प्रॉब्लम होती है मॉक टेस्ट में कि दूसरे इंस्टीट्यूट के टेस्ट हो सकता है थोड़े से ज्यादा सेंस नहीं बनाते हो कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तुमने दूसरे इंस्टीट्यूट के भी दिए हुए मतलब टेस्ट है ना, डाउनलोड वगैरह करके, तो फिजिक्स में तुम्हें कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस है या फिर कुछ ऐसा है? एक एक इंस्टीट्यूट है, मैंने उसका एक पेपर दिया था, बट उसका फिजिक्स का सेक्शन इतना हाई लेवल था, आई थिंक जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें, मैंने 2-3 क्वेश्चंस किए फिर वो टेस्ट छोड़ दिया। सही करा, उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि तुम्हें नीट देना है। हाँ, और मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती, मैं मॉक टेस्ट से डिमोटिवेट होती हूँ, और फिर मतलब उससे फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर और पढ़ती हूँ, तो मैंने वो टेस्ट नहीं दिया। बाकी फिजिक्स में इट्स अगेन रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज योर फॉर्मूलाज, उससे ही ठीक होंगे कॉन्सेप्ट्स। बाकी तो मॉक टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस फॉर्म भरते थे, एनालिसिस करते थे? हाँ, एनालिसिस करती थी, जो कुछ गलत हुआ है, जैसे सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चंस छोड़े हैं उनको करना, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको करना, वो सब किया है। और लाइक इन जनरल रिवीजन में मैंने फिजिक्स के रिवीजन के लिए मॉड्यूल्स उठाए थे, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स थे जैसे एनएलएम, वो मुझे फील हुआ था वो वीक हो गया, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि मेरा फ्रिक्शन वीक हो गया। वो वन ऑफ द चैप्टर्स था जो बहुत अच्छा था हमेशा से मेरा, बट फाइनली वो थोड़ा सा वीक हो गया, उससे क्वेश्चंस गलत होने लग गए मॉक में, तो मैंने मॉड्यूल उठाए, पूरा फ्रिक्शन किया, वेरी गुड, फिर वो ठीक हुआ, ठीक है। तो यही है, यू विल हैव टू वर्क फॉर व्हाटएवर इज वीक, उसके बिना कुछ भी नहीं होएगा। एंड रिवीजन के लिए आई हैव डन मॉड्यूल्स,
और लास्ट तक मॉड्यूल की जो फिजिक्स तीनों एक्सरसाइज दी थी वो तीनों की तीनों करी थी तुमने, जो एक्सरसाइज नहीं, बांध देता था 2 3 की? नहीं, बीच बीच में से क्वेश्चंस किए थे, और अच्छा, आई थिंक प्रोबेबली बीच बीच में से सारा करे थे, मैं टॉप समझा नहीं, बीच बीच में मतलब बीच बीच से क्वेश्चंस उठा उठा के, कि लाइक तुम्हें जो जो मैं, तुम्हें लग रहा है कि पहली बार में सॉल्व नहीं होगा, जिसमें कुछ नया लग रहा है, हाँ, उस तरह के क्वेश्चन जैसे करे? कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो वीक नहीं है, तो अच्छा ठीक है, उनके लिए मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मी रैंडम नंबर्स बताओ ओ 1 से लेके 130 तक, तो वो जो अच्छा भी नंबर्स बताती थी वो क्वेश्चंस कर लेती थी मैं, चलो तो अच्छी बात है, ये नया तरीका उससे सुना, मैंने रिवाइज दिस इज कर न्यू, लिया, दिस इज न्यू। ठीक है ठीक वो है, बस थोड़े से टाइम सेव करने के लिए मैंने किया। चलो अच्छी बात है। भाई मेरे को एंथ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी फिजिक्स में, आई वाज स्कोरिंग वेल, तो वेरी मैंने गुड। फिजिक्स को फिर साइड में रख दिया, रैंक बूस्टर मटेरियल नहीं किया। ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स पे मैंने फोकस किया, जैसे मुझे लगता था केमिस्ट्री वीक है, तो मैंने केमिस्ट्री पे फोकस किया और फिजिक्स को थोड़ा सा रहने दिया। ठीक है चलो, अच्छी बात है अच्छी बात है। संदीप तुम बताओ, तुमने रिवीजन कैसे करा? तुम्हें रिवीजन का समय मिला नहीं मिला वैसे? हाँ, सर रिवीजन जो था ना, एक्चुअली सर वो मेरा यही था कि तुमने जून के सबसे फर्स्ट पहले वीक तक तो तुमने फिजिक्स खत्म करा था ना, और तुम्हारे पास कितना वक्त बचा था? जुलाई अगस्त, तुम लोगों का एग्जाम कब था मुझे याद भी नहीं, डेट क्या? नहीं ना, 20 जुलाई को है ना वही तुम्हारा तो एग्जाम, 17 जुलाई, तो 17 जुलाई को था। तुम्हारा डेढ़ महीना हाँ था तुम्हारे पास। वही चीज बताना चाह हाँ रहा हूँ कि सर हाँ मतलब जरूरी नहीं कि आप पूरा कोर्स खत्म करके रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, मेरा हाँ तो सर यही था, आज पढ़ा, आज पेजेस पलट लिए, देख लिया, सो गए, अगले दिन पढ़ा, पुराने से पेजेस पलट लिए, मतलब जो कल का भी और आज का भी पेजेस पलट लिए, सो गया। तो मैं थोड़ा सा वो कर रहा था कि कभी कभार मिस भी हो जाती थी ये वाली चीज, बट ये होता था कि मतलब ऐसा लगता था मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रह रहा है, कॉन्सेप्ट सब ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसा नहीं कि मतलब कोर्स करने पे लग गए तो पूरा कोर्स खत्म करके ही हम रिवाइज करेंगे। रिवीजन तो ऑलरेडी फर्स्ट डे से ही, मतलब जैसे आप कहते हैं ना, मतलब जिस दिन से ठीक पढ़ना है स्टार्ट हुआ है उस दिन से पलटना शुरू कर दो, मतलब बार बार ठीक है देखना, और ठीक है उसे जितनी बार कर ठीक सकते है। हो वो चीज करी, और दूसरा मॉक टेस्ट दे, रेगुलर बेसिस पे देते रहना बार बार। ठीक मॉक है। टेस्ट से सर बहुत ज्यादा फायदा होता है, मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि रिवीजन जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। मतलब कभी कभार होता है हम रिवाइज तो कर रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं बस, मतलब बट वो नहीं होता, तुम्हें बहुत क्विक भी देखना है, टाइम के साथ भी देखना है। जैसे पहले दूसरे रिवीजन में सर टाइम लगता था शुरू शुरू में बहुत ठीक है। ज्यादा, मतलब कि अब ऐसा लग रहा है कि 4 पेज को ही मतलब पढ़ने में 20 मिनट लग गए या 25 मिनट लग गए, मतलब एक तरीके से, बट धीरे धीरे वो टाइम कम होता गया और नंबर वो ज्यादा बढ़ते गए रिविजन के, तो ठीक है, उससे बहुत हेल्प एग्जैक्टली, हुई। नंबर ऑफ रिविजन इंक्रीजेस, टाइम डिक्रीजेस, मतलब हाँ, तो मैं ऑब्वियसली यही मतलब। बोलूंगा कि फर्स्ट डे से रिविजन स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि आज जो पढ़ा है हम कल कर लेंगे या परसों ठीक कर है। लेंगे, उसे वो मत करो, रिविजन को मत आगे मतलब रखो। एक होता है ना चलो। सर बच्चे ऐसे होते हैं कि संडे को, संडे संडे करेंगे मतलब पूरे हफ्ते का रिवीजन, बट ऐसा नहीं है, आज ही करो, मतलब एक होता है ना आज जो पढ़ा है एटलीस्ट वो तो कर लो, बिल्कुल, तो डेली वीकली ये मंथली, बस। उसके बाद फिर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन हुआ। चलो वेरी गुड। हाँ तुम्हारा बताओ भाई अश्विनी, तुमने कैसे करा था भाई सिलेबस कंप्लीट होने का, रिवीजन किस तरह से करा था? सर, मैंने एक रिवीजन तो पूरा कंप्लीट किया था, कंप्लीट सिलेबस का। वेरी गुड। मैं उसके बाद में सर, जब मैंने सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया तब मैंने टॉपिक वाइज रिवीजन किया था जो कि वीक मेरा इस है। चैप्टर में ये टॉपिक वीक है या फिर ये मेरे को कम आता है, तो ठीक है। पढ़ा। फिर लास्ट के मंथ में मैंने मतलब जो पेपर दिए थे उनसे भी मेरे को पता चल गया था कि मेरे को ये पार्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने वो भी वापिस पढ़ा, ऐसे ठीक है रिवीजन किया था ठीक मैंने। है। और रैंक मटेरियल तुमने करा था कि जेई मेन के, तुमने क्या करा था एंड में? मैंने जेई मेन के क्वेश्चंस वगैरह चलो, किए तो थे, तुमने 2022 के करे थे फिर पेपर, या नहीं करे थे कि 2020 2021 कौन से करे थे? किए थे। किए थे, वेरी गुड। तो पेपर वाइज करे थे कि 2022 का भाई शिफ्ट 1 का उठा लिया, पेपर 1 फिर शिफ्ट 2 का उठा लिया, पेपर वाइज करे थे, टॉपिक वाइज करे थे, नहीं सर, मतलब शिफ्ट वाइज किए थे, जैसे मतलब? जैसे आते थे उसी दिन कर लेते थे। वेरी गुड, है ना, मतलब पूरा पेपर का एक्सपीरियंस हो गया ना। केमिस्ट्री का यस भी करे सर, होंगे? यस सर, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों। चलो वेरी गुड। तुम में से किसी और ने करे थे 2022 के पेपर, बिल्कुल पेपर वाइज करे थे चलो और तुमने? देखे थे अच्छा देखे, तुमने फिजिक्स करे नहीं थे पूरे, के तुम्हारे पास तो समय ही नहीं था, फिर ऐसे, तुम्हारी बात बस एक बताया। आइडिया तो हो गया था, देख लिया बस, तुम्हारा तो मैं समझ गया, क्योंकि तुम्हारा अलग देख एक्सेप्शन वाला सीन देख था। के पढ़ा हाँ, रहे थे। तुम्हारा हाँ बताओ, मैंने किया था, करे थे? तो केमिस्ट्री का तो एसके जी सर करवाते थे, मतलब केमिस्ट्री का तो दिक्कत नहीं है, एसके जी सर तो मतलब जिस दिन पेपर होता था उसी दिन क्लास में करवा देते थे, ठीक सर है के 1 घंटे की सुबह 11 बजे से क्लास होती थी, वो करता ठीक था है मैं डेली। ठीक है। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर ने करवा दिया था, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं मतलब पूरा अपने से रिविजन कर रहा था, तो फिजिकल केमिस्ट्री का इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया था, ठीक है और फिजिक्स का ये किसी भी कोई कोचिंग वाला अपलोड कर देता है शिफ्ट 1 का पेपर, जैसे आज पेपर हुआ है तो कल मेमोरी बेस्ड पेपर आ जाता था, तो उसको
सॉल्व कर लेता था ऐसे अगले अगले दिन, क्योंकि उस ठीक पॉइंट तक है अच्छा खासा रिविजन हो चुका था, ठीक है कॉन्फिडेंस भी था, कर लेता। ठीक है। उसी जगह भाई मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि मेमोरी बेस्ड वाला मत करो, जब एक्चुअल पेपर आ जाता है उसको करो, थोड़ा सा वेट करके कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर उसको पेपर वाइज ही करो, है ना, जो जेई मेन के तुम्हारे पेपर आते हैं है ना, तो उसको पेपर वाइज करो, सब्जेक्ट वाइज मत करो, उसको प्रॉपर 1 घंटा लेके बिल्कुल पेपर के फील लेके करो फिजिक्स और केमिस्ट्री को, है ना, और जब प्रॉपर पेपर आता है ना एनटीए की साइड पे तब करो उसको, है ना, सही पेपर जो आता है। तुमने करे थे गोरी जेई मेन के क्वेश्चन से? नहीं करे थे? नहीं करते, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं ना, ठीक है। तो देख रहे हो ना, मतलब हर तरह के बच्चे हैं ना, मतलब हर की अपनी एक अलग अलग स्टडी, अलग अलग चीज़ है ना, सो वॉट एवर वर्क फॉर यू, है ना, बट यू हैव टू कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, है ना। तो भाई इसी के साथ हमने मतलब जितनी भी मेजर क्वेरीज होती हैं नीट एस्पायरेंट की फिजिक्स से रिलेटेड, वो सारी मैंने बता दी हैं तुम्हें, है ना। इंडीड मैंने नहीं, आज तो इन लोगों ने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करे, और तुमने देखा है कि छोटा थोड़ा मोड़ा हर इंसान ने कुछ कुछ अलग करा हुआ है ना, पर बेसिक प्रिंसिपल्स लगभग सबके सेम थे ना, और तुम्हें भी वही फॉलो करना है, और कहीं ना कहीं तुमने ये भी रियलाइज़ कराओगे कि मतलब कोई सीक्रेट मंत्रा और ऐसा कुछ तो नहीं है ना, और जो चीज़ें हैं वो तुम्हें भी पता ही है, तुम्हें जो करना है रोज़ को अम्बर रोज़ करना है, क्लासेस मिस नहीं करनी है, नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, उनसे डरना नहीं है, उनमें फिर जब नंबर कम आते हो तो उनका एनालिसिस करना है, पता करना है, वीक टॉपिक पे वर्क करना है, लॉट्स ऑफ रिवीजन, सो ऑल दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो, पर तुम्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से पता चला है कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो भाई इसी के साथ फिर हम इस सेशन का एंड करते हैं, और ये हमारी इंडीड पूरी सीरीज़ थी जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमने कवर करे, ठीक है।